दोस्तों ये है 2024 मॉडल बजाज की अवेंजर 160 और बहुत सारे लोग भाई कमेंट्स कर रहे थे पहले कि भैया ये 2023 मॉडल है, लेकिन आपको इस वीडियो में गारंटी के साथ दिखाऊंगा कि ये 2024 मॉडल गाड़ी है 100%। तो 2024 में क्या नया चेंजेस हुआ आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे, नया ऑन रोड प्राइस कितना बदला है ये आपको बताएंगे, कितनी प्राइस बढ़ी है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं 2024 का प्रूफ। ये देखिए 8 जनवरी 2024 मॉडल, आप देखो 8 जनवरी 2024, ठीक है। ये देखिए आप, ये 10 पीस यहाँ पर आ, देखो क्वांटिटी यहाँ पर लिखा है 10, तो यहाँ पर आपका मिलेगा 8 जनवरी 2024 एमएस बजाज ऑटो एलटीडी कस्टमर, देखिए सुप्रीम का यहाँ पर आपका ये दिया गया आपका ये पैकिंग। तो ये देखा आपने गारंटी के साथ मैंने आपको दिखाया, ये मॉडल है 8 जनवरी 2024, आज मतलब 3-4 दिन का मॉडल है, 2024 का सबसे लेटेस्ट मॉडल। अब इसके अंदर नया इंजन है, इंजन को ही बदल दिया बजाज ने दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर सामने देखेंगे तो इसके अंदर 12 बोल्ट का 55x60 वाट का हेलोजन बल्ब मिलेगा, ये देखिए। और उसके बाद यहाँ पर आपका DRL मिलेगा, इसमें आपका एक सिस्टम है कि जैसे इग्निशन ऑन करेंगे तो आपका ना DRL जलेगा ना लाइट जलेगी, पहले DRL जलता था, अब यहाँ पर यह सिस्टम नहीं है। जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बाइक बंद कर दी तो DRL आपका नहीं जल रहा है, पहले ये चेंजेस था कि DRL जलता था इग्निशन ऑन करते ही, तो ये चीज़ चेंजेस हुआ है यहाँ पर। और ये आपका क्रोम फिनिशिंग हटा के ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग कर दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये है आपका विंड ग्लास इस तरह से पूरा, ये देखिए पूरा ब्लैक फिनिशिंग पे रहेगा, पूरा ब्लैक कलर का ये रहेगा, ठीक है, इस तरह से ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद इंडिकेटर आपका फ्लेक्सिबल हो गया है, यहाँ पर आपका 10 वाट का बल्ब वाला रहेगा सर्कल वाला बढ़िया स्टाइलिश लुक के साथ, और आपका ग्लास रहेगा ये टेक्सचर्ड डिजाइन के साथ ट्रांसपेरेंट ग्लास पे वाइट ग्लास, यहाँ पर आपका नंबर प्लेट लगेगा इस तरह देख सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर देखिए सबसे बढ़िया यहाँ पर आपका ब्रेक लीवर आउट भी लॉन्ग हो गया है, बार एंड आपको हैवी कर दिया है, और यहाँ पर भी बार एंड आपको हैवी मिलेगा, पासिंग बटन इस तरह से ये पूरा सिस्टम देख सकते हैं। और हैंडल बार का आपका मैट ब्लैक फिनिशिंग कर दिया है कलर, और ये जो आप कंसोल देख रहे हैं इसमें रबर दे दिया है ताकि पानी इसके अंदर ना जाए और सेफ्टी बढ़ा दिया है, और ये आपका ब्लैक कर दिया है सिल्वर से। और उसके बाद अब नीचे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको मिलता है, देखिए सस्पेंशन का कवर यहाँ पर बजाज का ही कंपनी का रहेगा, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और रिफ्लेक्टर के साथ, और यहाँ पर 280 mm का यहाँ पर आपको मिल जाता है भाई डिस्क ब्रेक, वो भी सिंगल चैनल ABS के साथ, ABS भी मिलेगा 90-90-17 का, ट्यूबलेस टायर भी कर दिया है कंपनी ने इसके अंदर। ये देखिए नई अलॉय व्हील अब आपको मिलेगी प्योर, यहाँ पर आपका ब्लैक कलर रहने वाला इस तरह से आप देख सकते हैं, ट्यूबलेस टायर यहाँ पर 90-90-17, ये देखिए ट्यूबलेस लिखा मिलेगा बजाज, तो नई अलॉय व्हील इसके अंदर आ गई है इस तरह से, और मडगार्ड भी आपका और भी लंबा हो गया है। यहाँ पर आपको मिलेगा सिंगल हॉर्न इस तरह से, और यहाँ पर डुअल चेसी पर ये गाड़ी है इस तरह से आप देख सकते हो, और इंजन भाई चेंज कर दिया है कंपनी ने बहुत ही गजब का, और इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके इंजन में क्या बदला हुआ। सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको 5 गियर मिलता है, यहाँ पर आपका बजाज लिखा रहेगा, और उसके बाद ये सारे स्टैंड चेंजेस हुआ है, ब्लैक कर दिया है क्रोम फिनिशिंग हटा के, ये आपका रहेगा गियर लीवर फ्लेक्सिबल, आपका ये फोर्ट्रेस है ये भी आपका फ्लेक्सिबल रहेगा। और अब देखिए इंजन आपको फ्यूल इंजेक्शन वाला मिलेगा, देखिए नया इंजन आपका रहेगा फ्यूल इंजेक्शन, इधर आपका एक स्पार्क प्लग मिलेगा, और ये देखिए आप इंजन, इंजन पे आपको इस तरह से यहाँ पर स्टिकर दिए गए हैं, इसके अंदर ये नया वाला इंजन है, यहाँ पर देख सकते हैं सेंसर पूरा इस तरह से लगाया गया है। और दूसरी साइड पर देखिए सबसे बड़ा जो चेंजेस है इसके अंदर, ये आप ब्रेक लीवर देख लो ये चेंज हो गया है, और आप देखिए इंजन, ये देखिए अब यहाँ पर आपका DTSI हटा के सीधा बजाज का इंजन आ गया है, देखिए आप ये आप देख रहे हो DTSI हट गया है, अब इसके अंदर सिर्फ बजाज का आपको इंजन मिलेगा, तो DTSI वाला सिस्टम खलास, अब इसके अंदर आपका बजाज का मिलेगा 150.37 cc का इंजन है, और माइलेज ये गाड़ी आपका देगी मान के चलिए कि 40 का माइलेज आराम से देगी 160 cc के इंजन में। तो 5 गियर रहेगा, तो एयर कूल है ये, 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OSC इंजन आपका मिलता है, ये 5 फ्यूल इंजेक्शन वाला, तो इस तरह से आप पर देख सकते टाइमिंग चैन का सेटर है, यह रहा इग्निशन। और सबसे बड़ा बदलाव है इसकी की को लेकर, ये देखिए इसकी चाबी इस तरह से कर दिया है, देखा पहले आपका यह अलग टाइप का था, अब ये चाबी एकदम जबरदस्त मॉडल आ गई, बहुत ही गजब का लग रहा है, यहाँ पर हाथ में लेते ही बिल्कुल अलग दिखेगा ये। तो यहाँ पर इग्निशन ये रहा इसका, और यहाँ पर हम लगाते हैं इसको, ये देखिए ये लगेगा, और यहाँ पर इस तरह से ये ऑन हो जाएगा, तो इग्निशन बहुत ही बढ़िया हुआ है। और चलिए क्या नया चेंजेस आया है इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं, सबसे पहले इसका कवर हटाते हैं, क्या बात है भाई, ये अवेंजर वाला स्टिकर एकदम नया मॉडल का आ गया है, ये आपका चेंजेस हो गया है, फ्यूल टैंक 13 लीटर हो गया है, ये देखिए सबसे बड़ा बदलाव इसका जो फ्यूल टैंक है ना, ये आपका सिल्वर कलर से हटा के पूरा ब्लैक कलर कर दिया है, E20 वाला BS7 मॉडल है ये। और ये रहा इसका कंसोल, यहाँ पर आपका फ्यूल बताएगा, और यहाँ पर आपका FI लाइट, यहाँ पर पासिंग इंडिकेटर न्यूट्रल, ये देखिए आप पासिंग यहाँ पर शो करेगा, ये है पूरा डैशबोर्ड। और ये चेंजेस यहाँ पर आया है कि इसका फ्यूल टैंक का जो कैप है इसको ब्लैक कर दिया है,
सिल्वर से। और देखिए यहाँ पर इस तरह से ये आपका पूरा फ्यूल टैंक रहने वाला है, एकदम लेटेस्ट मॉडल का कलर यहाँ पर आ गया है भाई। और आप देखिए इसके अंदर लाइट ऑन ऑफ करने का सिस्टम, इंजन की स्विच, सेल्फ स्टार्टर, और उसके बाद ये देखिए आपका डैशबोर्ड। और जैसे ही यहाँ पर हम इसको ऑफ करते हैं और ऑन करते हैं तो इस तरह से ये मीटर इसका वर्क करेगा। ये देखिए तो ABS की लाइट यहाँ पर मिल रही है, सिंगल चैनल ABS, टॉप स्पीड 140, साइड स्टैंड लगा रहेगा तो यहाँ पर साइड स्टैंड बताएगा। बाकी ये आप देख सकते हैं ये आपका ट्रिप है और ये आपका ऑडियो है, साइड स्टैंड यहाँ पर बजाज का लोगो, ये आप देख सकते हैं पूरा इस तरह से कंसोल रहेगा। तो ये आपका ब्लैक हो गया है, हैंडल बार भी पूरा ब्लैक, यहाँ पर पासिंग हाइलोजन टर्न सिग्नल हॉर्न, यहाँ पर अवेंजर का 3D वाला स्टीकर गजब का एकदम सिल्वर पैटर्न पर, ये आपका रहेगा पूरा फ्यूल टैंक। तो गाड़ी का इंजन इस तरह से आप देख सकते हैं, साइड स्टैंड, गियर लीवर, और ये देखिए साइड कर आप जो पैनल है ना ये एकदम 160 स्ट्रीट की ज़बरदस्त स्टिकरिंग की गई, देखिए 160 की स्ट्रीट, एकदम नया स्टिकर यहाँ पर आपका मिलेगा। पूरा कलर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरह से पूरा रहने वाला है। तो साइड स्टैंड का टॉप इंजन का फीचर भी रहेगा। स्टार्ट करके आपको आवाज़ सुनाते हैं, उससे पहले भी और कुछ फीचर आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले गाड़ी देखो आप, ये देखिए इसकी सीट एकदम बढ़िया कंफर्ट और मुलायम कर दिया है इसके अंदर आपको, इस तरह स्ट्रक्चर डिजाइन है डुअल टोन फिनिशिंग के साथ। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 160 स्ट्रीट की यहाँ पर भी आपको स्टिकरिंग की गई है। तो ये रहा इसका साइलेंसर, जो कि साइलेंसर काफ़ी अच्छा हो गया है, ये देखिए पूरा ब्लैक कलर फिनिशिंग है। ये देखिए आप पूरा चेसी इस तरह से, ब्रेक लीवर, फुटरेस, और ये है स्विंग आर्म इसका। और सेंसर देखिए यहाँ पर आया है, ये इस तरह से सेंसर लगा है, रिंग आपको मिलेगी। 130 mm का पीछे ड्रम ब्रेक है, डिस्क नहीं रहेगा, डिस्क होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। डबल डिस्क यहाँ पर स्विंग आर्म है, ब्रेक लीवर देख सकते हैं, और 130, 90, 15 यानी कि 15 इंच की अलॉय व्हील आपको पीछे मिलती है, और टायर भी, और आगे आपका 17 इंच का है। तो 130/90 का यहाँ पर सेक्शन का टायर रहने वाला है, काफ़ी लंबा चौड़ा और नई अलॉय व्हील आपको मिलेगी। तो काफ़ी मोटा टायर है इस तरह से आप देख सकते हैं, ये देखिए। और ये रहा भाई फुटरे इसका जो है ग्रेबरेल, एकदम रबर के साथ है ये पूरा, एकदम रबर का पैकिंग है, ये आपका फाइबर रहेगा, ये स्टील है, और इस तरह से अब यह सिल्वर हटा के पियानो ब्लैक कर दिया है इसको। और ये रहा 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन, और ये आपका चेन कवर है एकदम नया मॉडल का, और ये चेन स्पॉकेट है देख सकते हैं, चैन और चेन स्पॉकेट। स्विंग आर्म देखिए इसका, ये पूरा रहेगा, चेसी पूरा इस तरह से रहने वाला है, और टायर काफ़ी अच्छा है यहाँ पर आपका, ये सारी गाड़ी अभी नहीं बंधा है। और अब देखिए तेल लाइट इसको हम दिखाते हैं और आवाज़ सुनाते हैं, तो ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब ये देखिए इसकी तेल लाइट आपका 10 वाट का बल्ब वाला ही रहेगा, काफ़ी अच्छे शेप में, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन में नंबर प्लेट की लाइट है, नंबर प्लेट पत्ती पे लगेगा, इस तरह से पूरा गाड़ी रहने वाली है, ये देखिए। और इंडिकेटर भाई गजब का इसमें रहने वाला है, और लॉन्ग कर दिया है इसका, इसको लंबा कर दिया है ताकि टूटे ना, और ये आपका फ्लेक्सिबल रहेगा बल्ब वाला 10 वाट का। और ये रहा इसका एग्जॉस्ट साइलेंसर, आवाज़ सुनो आइडियल पे, आवाज़ बिल्कुल है ही नहीं यार जैसा गाड़ी में लग रहा है, देखो देख रहे हो, आवाज़ बिल्कुल ज़्यादा गाड़ी में आपको मिलेगा ही नहीं। और हैंडल लॉक यहाँ से होगा, ये देखिए हैंडल लॉक यहाँ से होगा आपका, ठीक है, वहाँ से हैंडल लॉक नहीं होगा, यहाँ से हैंडल लॉक होगा। सिंगल हॉर्न देखो, ये सिंगल हॉर्न है इसका, तो बाइक को बंद कर दिए, और ये बाइक अब आपको इस तरह से दिखेगी पूरी, ये देखिए BS7 2024 मॉडल बजाज एवेंजर 160 स्ट्रीट लॉन्च हो चुकी है भाई। तो ये है नए इंजन वाली, तो इसका ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगा 1,40,000 रुपये ऑन रोड। वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और बजाज की सब 2024 मॉडल की अब रोज़ वीडियो मिलेगी, क्योंकि आज ट्रक से फिर नया लोड उतर रहा है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब कंपनी की वीडियो आपको मिलती रहेगी।